हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। और फार्मिंग सिमुलेटर 18 के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले में आप सबका वेलकम। और आज के इस गेम प्ले में मैं अपनी काउस को जो है वो फाइनली फीड करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने आई एम सॉरी फॉर दैट टून इससे पहले मैंने उनको काफ़ी दफ़ा जो है वो स्ट्रॉ जो है वो उनको काफ़ी पहले से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके पीछे की जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि एटलीस्ट जो है वो मुझे मैनर की जो सप्लाइज़ है वो जल्दी मिलना शुरू हो जाए। तो इस फील्ड में मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रास मूव किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3-4 दफ़ा जो है वो ग्रास ये मूव किया हुआ है। तो इसको इकट्ठा नहीं किया मैंने, सिर्फ मूव किया हुआ था। और अब जो है ये 3-4 बारी का जो ग्रास मैंने जो है वो किया हुआ था मूव, इसको अभी मैं ट्रेडर यूज़ करते हुए ड्राई कर रहा हूँ। प्रिवेंट रोड को यूज़ करते हुए हम डेफिनेटली इसकी बेल्स बनाएंगे, और बेल्स बनाने के बाद जो है हम डेफिनेटली इनको अपनी काउस के पास लेके चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम जो है वो अपनी एक न्यू टूल जो है वो भी बाय करने जा रहे हैं। मैं असल में आज अटक बहुत रहा हूँ, मेरा सारा का सारा जो फोकस है वो गेम की तरफ हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा जो है जो काम मैंने किया है अपने फार्म पे वो ये है कि मैंने अपना मैनर फर्ट स्प्रेडर जो है उसको अपग्रेड किया है, और इसके अलावा जो विंड रोड है उसको भी अपग्रेड किया है मैंने। और मेरा आज प्लान बन रहा है कोकलरिंग ऑलराउंडर जो कल्टीवेटर है वो नया बाय करने का। डेफिनेटली हॉर्स का 9 प्रोंटो जो है वो सीडर वो हम नेक्स्ट गेम प्ले में ट्राई करूँगा बाय करने की, क्योंकि दोनों चीज़ें इस गेम प्ले में मुझे अपग्रेड होती नज़र नहीं आ रही। तो डेफिनेटली इट्स अ थिंग, और इसको फिर हम जो है वो उसको अपग्रेड करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैं पिछले दिन लास्ट डे जो है वो एक और गेम खेलने का सोच रहा था। मैंने उसको इंस्टॉल किया लेकिन उसमें कुछ बग्स और ग्लिचेस की वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। ओके, अब ये ट्रैक्टर दरमियान में आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा बेल्स मिलती हैं, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स जो है इस फील्ड में से ग्रास को मूव किया हुआ है और इसको मैंने कलेक्ट नहीं किया था। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं, लेकिन देखना है कि क्या होता है। और इसके विंडरोर के ऊपर मैंने हेल्पर इसलिए हायर किया क्योंकि हेल्पर्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और क्योंकि ये ग्रास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो मैं नहीं चाहता कि टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन जाएं और उसको बाद में कलेक्ट करना मुश्किल हो जाए। तो मैं जो है वीट आप चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट है। अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ 4 फील्ड हैं। जैसे जैसे करके हम आगे फॉरवर्ड एडवांसमेंट करते जाएंगे, नेक्स्ट जो बड़े फील्ड्स हैं वो भी हम डेफिनेटली परचेज़ करते जाएंगे। तो हार्वेस्टर जो है वो हमारी क्योंकि अब फ्री ही है, तो हम डेफिनेटली मीनवाइल हम बेल्स बनाएंगे। तो हार्वेस्टर को हम यूज़ करते हुए उसके ऊपर हेल्पर को हायर करते हुए हम जो है वो अपना जो वीट है उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो डेफिनेटली, अरे यार ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक कर रहा है। अच्छा, मुझे लगा था कि शायद ये ग्रास जो है इसको ज़ाया कर दे, लेकिन ठीक रो बना रहा है इसकी। ओके, तो यहाँ पे हम इस फील्ड में जो है वो हेल्पर को हायर करेंगे ताकि हमारी वीट जो है वो भी साथ ही साथ हार्वेस्ट होती रहे। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि फनी माउंटेज इस चैनल पे अपलोड नहीं किया। तो बेसिकली इस चैनल को मैंने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि फार्मिंग सिमुलेटर की जो वीडियोस हैं वो हिंदी में बना सकें। तो जो फ़नी मॉन्टेज है वो उसका ज़ुबान से कुछ लेना देना है नहीं है, तो क्योंकि उसमें इवन मैं कमेंट्री भी नहीं करता और जो भी हैं वो उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स और फनी म्यूज़िक होते हैं। तो इसलिए वो मैंने सिर्फ एक्सट्रीम गेमिंग फीवर वाले चैनल पे अपलोड किया है। और हालांकि मैंने कम्युनिटी टैब पे सबको बता दिया था कि जिन्होंने देखना है वो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसके लिए अगर फिर चैनल के लिए जो है वो उसको एडिट करना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि अब प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा मेरे से ख़राब हो गया था प्रीमियर प्रो में। तो इस वजह से फिर वो मुझे सारा A to Z दोबारा काम करना पड़ता था। तो जो फनी मोन्टेज होता है उसकी एडिटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो
इतना मतलब कि दोबारा मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ना था, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाना। पहले ही तकरीबन 2-3 दिन लग गए मुझे वो एक गेम प्ले को, एक वीडियो को जो है वो प्रॉपरली अलाइन करते हुए। तो इस वजह से गेमिंग साइड पे मैं इस बार फनी मॉन्टेज अपलोड नहीं कर सका। और नेक्स्ट अब आई विल सी कि अपलोड होना चाहिए गेमिंग साइट पे या नहीं। वैसे गेमिंग साइट पे मेरा फ़िलहाल प्लान पीसी गेमिंग की तरफ जा रहा है, और आप देखेंगे कि क्यों जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। अच्छा, बेल्स आप चेक कर लें, काफ़ी कम निकली हैं, मैक्स ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी जो रिकॉर्डिंग है और बहुत ज़्यादा जो है वो डेफिनेटली लंबी है, तो मैं बाकी की वीडियो को जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। Thank you.
So she